आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, यह है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहां क्या नई स्टडी हुई है, कहां कोरोना के मरीज घटे हैं बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। कोरोना वायरस ने महामारी से लड़ने को लेकर दुनिया भर के देशों की पॉलिसी पर कई सवाल उठाए हैं। कहीं भी बीमारियों के सर्विलांस, जांच और इलाज का प्रबंधन की सही व्यवस्था नहीं थी, अचानक से कंटेनमेंट करना, अपर्याप्त जांच सुविधाएं, अनुचित जमावड़े, आंकड़ों का बेतरतीब हिसाब, इन सब की वजह से कई देशों की हालत खराब हो गई। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी ने दुनिया भर के लोगों की सोच भी बदल दी, जांच के तरीके बदल दिए, साथ ही जीने का अंदाज भी बदला। अब बीमारी के सर्विलांस को लेकर दुनिया भर में तैयारियां हो रही हैं। द लैंसेट में पब्लिश्ड रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर अब जो भी प्रोसेस वो लोग अपना रहे हैं, अपनाया जा रहा है, वो ज़्यादा सटीक है। अगर लोगों की सेहत पर ध्यान देना है या लोगों के हिसाब से स्वास्थ्य नीतियाँ बनानी है, हेल्थ पॉलिसीज बनानी है, तो रियल टाइम डेटा चाहिए। ऐसा द लैंसेट की रिपोर्ट कुछ ही हफ्ते पहले आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था। साथ ही सटीक सर्वाइलेंस होना चाहिए, ये तो द लैंसेट की एक रिपोर्ट की बात हो गई। लेकिन बावजूद इसके जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और कहती है। अभी हाल ही फिलहाल के ही दिनों में मौतों के आंकड़े को लेकर जो बहस है वो भी आप जानते ही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर हुए एडवर्स साइड इफेक्ट्स के आंकड़े भी कुछ साफ नहीं हैं। दूसरी लहर में बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर भी डेटा पर्याप्त नहीं था। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत में 100 से ज़्यादा COVID-19 से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट्स मौजूद हैं। ऐसी ही एक रिसर्च OSF प्रीप्रिंट में पब्लिश हुई है। टाइटल है 100 प्लस COVID-19 एप्स एंड वेबसाइट्स, येट अ लैक ऑफ ग्रैनुलर डेटा फ्रॉम इंडिया। इस रिसर्च के एक ऑथर में से हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट वैक्सीनोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं। मैंने उनसे ही इस रिसर्च पर डिटेल्ड बातचीत की। जी डॉक्टर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस रिपोर्ट को करने के लिए किस तरह का प्रोसीजर्स जो है आप लोगों ने अपनाया है। यह जो रिसर्च की गई है, रिसर्चर हम लोग इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन से मिलकर साथ आए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन न्यू दिल्ली और सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी नई दिल्ली के रिसर्चर मिलकर इस रिसर्च को किए हैं। तो इसमें हमने देखा कि 22 मई से 5 जून के बीच में हमने भारत में COVID-19 पैंडेमिक से जुड़े हुए जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो मोबाइल पर आधारित हों या वेब आधारित हों, उनका एनालिसिस किया। उनको हमने ढूंढा और देखा कि वो किस तरह का डेटा COVID-19 के बारे में प्रदान करते हैं। यह नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म और राज्य स्तरीय प्लेटफॉर्म दोनों को देखा गया और हमने देखा इसमें कि COVID-19 से जो सर्वेलेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, केसेज या डेथ्स हैं, वैक्सीनेशन के मॉनिटरिंग से संबंधित जानकारी है या बेड अवेलेबिलिटी के लिए जो जानकारी है, वह डेटा किन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और उसकी ग्रैनुलरिटी क्या है। ग्रैनुलरिटी का हमारा मतलब हुआ कि अगर जैसे केसेज रिपोर्ट किए जा रहे हैं तो किस आयु वर्ग में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, उनमें कोमॉर्बिडिटी देखी जा रही है कि नहीं देखी जा रही, मेल और फीमेल देखे जा रहे हैं कि नहीं देखे जा रहे हैं, तो हर पैरामीटर पर उसका रिसर्च किया गया और हमने उसकी एनालिसिस की है। तो फाइंडिंग्स क्या रही सर इस रिसर्च की, कहाँ कैसे किस तरह के डेटा जो है मिसिंग है जो आपने पाया और इस कंक्लूजन पर आप निकले कि इतने एप्स होने के बावजूद जो है इंडिया में डेटा कलेक्शन जो है बहुत वीक है? तो पहली बात तो यह है कि फिलहाल यह पेपर प्री प्रिंट सर्वर पर उपलब्ध है, अभी पीयर रिव्यू उसका होना बाकी है और पीयर रिव्यू के बाद जहां पर भी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा वो छपेगा। जहां तक फाइंडिंग्स की बात आती है तो हमने इसमें तीन स्तर पर फाइंडिंग्स को नोट किया है। एक सर्वेलेंस रेट डेटा रिपोर्टिंग के बारे में, सर्वेलेंस का मतलब हुआ केसेज और डेथ्स पर, तो हमने इसमें देखा है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर की डेटा की उपलब्धता क्या है, उसकी ग्रैनुलरिटी क्या है, कहीं उसमें कोई प्राइवेसी का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। साथ में हमने यह भी देखा कि जो जैसे डेथ्स हैं वो उनमें से कितने कंफर्म हैं, कितने केसेज हैं उनमें से कितने कंफर्म हैं, कितनी डेथ्स हुई, कितनी रिकवरी हुई, क्वारंटीन के बारे में, ICU के बेड्स के बारे में कितनी जानकारी है। साथ में हमने ये भी देखा कि अगर मान लीजिए कोई डेटा उपलब्ध है तो क्या उसको एज वाइज लोगों के जेंडर, कोमॉर्बिडिटी, किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, उसके आधार पर भी देखा। तो इसके लिए
हमने एक पैरामीटर बनाया जिसे हमने ग्रेनुलरिटी स्कोर का नाम दिया। इस स्कोरिंग में हमने यह भी तुलना की कि पहली वेव जो पिछले साल आई थी और दूसरी वेव में उस ग्रेनुलरिटी और डेटा उपलब्धता में क्या अंतर आया। अधिकतर यह डेटा MyGov ऐप पर उपलब्ध है, तो हमने देखा कि ज्यादातर जो डेली और टोटल केसेज हैं, कन्फर्म केसेज के बारे में जानकारी है, डेथ्स के बारे में जानकारी लगभग हर एप्लीकेशन में मिलती थी और रिकवर्ड केसेज के बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन अगर हम उन डेटा प्लेटफॉर्म जो करीब 100 हैं कुल मिलाकर उन पर देखें तो उनसे पब्लिक को यह नहीं पता चलता कि किस आयु वर्ग में मृत्यु हुई या मेल या फीमेल में कितनी मृत्यु हुई, कोमोबिडिटी अर्थात व्यक्ति को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या अन्य कोई बीमारी है, ऐसे कितने लोग थे जिनको इन्फेक्शन हुआ और कोमोबिडिटी, तो यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी नहीं उपलब्ध है, तो काफी सारा डेटा जो प्रोग्राम मैनेजर्स और रिसर्चर्स यूज करना चाहेंगे वो उन एप्लीकेशन जी। तो वैक्सीनेशन को लेकर भी डॉक्टर कुछ डेटा तो पूरे तौर पर पता तो है नहीं, खासकर जो एडवर्स साइड इफेक्ट्स हैं उसको लेकर, तो इस मसले पर आपने अपनी स्टडी में क्या पाया, कहाँ जो है कमियां दिखी आपको कि जिसकी वजह से ये जो आंकड़े हैं वो सटीक नहीं हैं, रियल नहीं हैं और अपडेटेड नहीं रहते हैं। अगर हम AEFI के बारे में बात करें तो किस वैक्सीन से AEFI हुआ, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन या रिएक्शन जिसको वैक्सीन के बोलते हैं, और किस तरह की AEFI की वो गंभीर थी या सामान्य थी यह भी नहीं पता चलता है। साथ ही अगर हम वैक्सीनेशन का जानना चाहें कि किस आयु वर्ग में वैक्सीनेशन हुआ है अर्थात 45 साल से अधिक में कितना वैक्सीनेशन हुआ है, 45 साल से कम में कितना हुआ है, मेल फीमेल में कितना हुआ, यह जानकारी भी उस दौरान नहीं मिलती थी। हालांकि अब पिछले कुछ दिनों में कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल गई है। साथ में हमने एक तुलना की कि मई 2020 और जुलाई 2020 और साथ में जून 2021 इस दौरान उस डेटा ग्रेनुलरिटी में क्या बदलाव आया, और हमने हर राज्य के लिए उसको देखा तो देखा कि अधिकतर राज्यों में बहुत कम डिटेल डेटा उपलब्ध है और कुछ राज्यों में पिछले साल की तुलना में इस साल में और भी कम डेटा मिलना शुरू हुआ, जबकि होना यह चाहिए कि समय के साथ और बेहतर डेटा मिलेगा, लेकिन ऐसा हर हालत में नहीं हुआ। काफी जगह स्थिति समान रही और कुछ राज्यों में जो पहले वो अधिक डेटा प्रोवाइड करते थे और आने वाले समय में कम डेटा प्रोवाइड करने लगे। वैक्सीनेशन की जैसे मैं बात करूं तो लगभग कोई भी राज्य, देश का कोई भी राज्य किस वैक्सीन से AEFI हो रहा है इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है। सिर्फ एक राज्य किस टाइप का एडवर्स इवेंट हुए वो प्रदान करता है। अगर हम वैकेंट ICU बेड्स की बात करें, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी की बात करें, तो लगभग आधे राज्यों ने अपने लिए ऐसे ऐप बनाए थे जहां पर लोग जान सकते थे कि कहां पर वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, कहां पर ICU बेड्स उपलब्ध हैं, लेकिन बाकी आधे राज्यों में यह सब इंफॉर्मेशन भी जनता के लिए उपलब्ध नहीं थी। आपकी रिपोर्ट में एक और बात सामने आई डॉक्टर की, कई राज्य जो हैं कोविड के डेटा रिपोर्ट के नाम पर खाना पूर्ति तक ही सिमट गए हैं। मसलन उसमें जिक्र है कि सबसे अधिक मृत्यु दर वाला जो महाराष्ट्र है उसने भी सही आंकड़े देने में कुछ हद तक वो असफल रहा। तो आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया है, कहाँ क्या लापरवाही हुई है कि इसकी वजह से जो डेटा है वो सही से अपडेटेड नहीं थे? सबसे पहली बात हमें याद रखनी होगी कि अगर हम हेल्थ डेटा का रिपोर्टिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। जो चुनौतियां देश में और देश के राज्यों में अभी सामने आ रही हैं, दरअसल वो वर्षों से स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियां हैं कि स्वास्थ्य के संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं होता है और वही इस पैंडेमिक के समय निकल कर आ रहा है। हालांकि पैंडेमिक के महामारी के समय में कई सारे एप्लीकेशंस बनाए गए, लेकिन अगर जमीनी स्तर से ही डेटा नहीं आएगा और लोगों को उस डेटा को रिपोर्ट करने की आदत नहीं होगी तो हम ओवरनाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम से यह परिस्थिति बदल जाएगी। दूसरा चैलेंज यह है कि हमें याद रखना होगा कि डेटा रिपोर्टिंग करने के लिए हर राज्य में स्वास्थ्य विभाग में अप्रूवल्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो अप्रूवल्स पहले भी नहीं थे। सरकारें कभी भी डेटा उस तरह से ट्रांसपेरेंट रूप से समय अनुसार शेयर नहीं करती हैं। तो महामारी के समय में भी यही हो रहा है कि निर्णय नहीं लिए जाते हैं कि क्या डेटा वो शेयर किया जाए या नहीं किया जाए, तो वो आदत की बात भी है। अगर हम एक तरह से देखें कि जो कोविन एप्लीकेशन पर कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित काफी सारा डेटा उपलब्ध है, वो हर दिन का
बताते हैं कितने वैक्सीनेशन हुए, क्या ट्रेंड रहा, किस जिले में, जिले स्तर तक का वैक्सीनेशन बताते हैं, वो एक अपने आप में बड़ी सफलता है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसमें उनके बैक एंड पर वो डेटा उपलब्ध होगा कि किस आयु वर्ग में वैक्सीनेशन हुआ, किस जेंडर में, मेल में वैक्सीनेट हुए, फीमेल वैक्सीनेट हुए, इसमें इतनी मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन वो इच्छा शक्ति की जरूरत है कि सरकारें वो करें, तो बैक अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं कि हाँ हम यह डेटा शेयर करना चाहते हैं, और फिर उसके लिए उन्हें बैक एंड पर एक माइनर मॉडिफिकेशन करना होगा, पब्लिक के लिए डेटा आना उपलब्ध हो जाएगा जिससे रिसर्चर उसको एनालाइज कर सकते हैं। जहां तक एक और महत्वपूर्ण बात है, ऐसा लगता है कि कुछ सरकारें और राज्य सरकारें एक तो डेटा को समय अनुसार शेयर नहीं करना चाहती, और दूसरा उनको लोगों पर विश्वास नहीं है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जबकि समझने की जरूरत यह है कि अगर हम जान जाएं उदाहरण के तौर पर कि वैक्सीनेशन के डेटा में किस आयु वर्ग में कितना वैक्सीनेशन हुआ, और अगर वह जानकारी जिला स्तर पर उपलब्ध हो, तो वहाँ का प्रोग्राम मैनेजर समय रहते उन पॉकेट्स पर वर्क काम कर सकता है जहाँ पर वैक्सीनेशन कम है, उस आबादी पर ध्यान दे सकता है जहाँ पर वैक्सीनेशन कम है, और इस तरह से हम वैक्सीन में जो इनइक्विटी है या जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उस पर फोकस करके, टारगेटेड वैक्सीनेशन करके वैक्सीनेशन का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन वो डेटा की अनुपलब्धता में लोग राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर यह नहीं जानते हैं कि किस आबादी में कितना वैक्सीनेशन हुआ, और इससे हम वंचित रह जाते हैं। उसी तरह अगर यह पता चल जाए कि महिलाओं का अधिक वैक्सीनेशन हो रहा है या पुरुषों का अधिक वैक्सीनेशन हो रहा है, किस जगह पर महिलाएं छूट रही हैं, या उसी तरह से अगर हमें ग्रेनुलर डेटा उपलब्ध हो और जिससे पता चले कि हाँ हाई रिस्क पॉपुलेशन जैसे जिसको डायबिटीज है अनुमानित संख्या कितनी है और उनमें से कितने प्रतिशत को वैक्सीनेशन हो गया, तो उस तरह की पॉपुलेशन पर फोकस किया जा सकता है। तो मुख्य बात यह है कि जो ग्रेनुलर डेटा है, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और जिला स्तर तक, बल्कि गांवों और शहरी स्तर तक उस जिले में उपलब्ध हो, तो उसमें अपार संभावनाएं हैं। उसको स्वास्थ्य के क्षेत्र के लोग और इंडिपेंडेंट विशेषज्ञ एनालाइज करके सरकार को हेल्प कर सकते हैं कि इस तरह से इस आबादी पर फोकस कीजिए, और वह पेंडेमिक से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन दो बातें हैं संक्षिप्त में। एक तो आज तक इस तरह का कोई सिस्टम बनाया नहीं गया है और कोशिश भी नहीं की जा रही है, और दूसरा बात लगता है कि सरकारें उसका महत्व अभी भी पूरी तरह से नहीं समझी हैं, और यही वजह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेटा है उस उपलब्ध नहीं होता है, और अगर उपलब्ध होता है तो उसको समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता और ढंग से एनालाइज नहीं किया जाता, जिससे हम काफी सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और जो उसका इस्तेमाल हो सकता था उससे कम इस्तेमाल हो पा रहा है। तो अब डॉक्टर, कोरोना वायरस के लिए तो हम तैयार नहीं थे, इसलिए सारी चीज़ें जो है वो एक्यूमुलेट हो गई, हड़बड़ी मच गई, और अब तो खैर एक साल हो गया, एक डेढ़ साल हो गया है, तो हमने बहुत कुछ सीख भी लिया है। तो बाकी आने वाले और नई महामारियों के वक्त देश में डेटा सर्वेलेंस जो है किस तरह से मजबूत करने की ज़रूरत है, सरकार को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, हम जानते हैं कि देश के पास एक असीम क्षमता है, खासतौर से आईटी में भारत का एक वर्चस्व है, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं। भारत सरकार कई तरह का डेटा भी उपलब्ध करती है, कलेक्ट करती है। तो अगर उस डेटा पर समय रहते ध्यान दिया जाए और उसको रिसर्चर्स को उपलब्ध कराया जाए, तो सरकार का इसमें अधिक खर्चा भी नहीं आएगा, और कई तरह इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो डेटा को सरकार के लिए एनालाइज करके शेयर करना चाहते हैं, जिससे प्रोग्राम का फायदा होगा। तो सबसे पहली बात है कि सरकार को एक मानसिकता बनानी होगी कि हाँ, यह डेटा समय रहते कलेक्ट किया जाएगा और जो लोग चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा। दूसरा जो कदम उठाया जा सकता है कि जैसे वैक्सीनेशन का डेटा है, सरकार के पास बैक एंड पर वो डेटा उपलब्ध है, बस बात यह है कि उसको अलग अलग पैरामीटर से एनालाइज नहीं किया जाता और उसको पब्लिकली शेयर नहीं किया जाता। अगर सरकार चाहे तो प्रोग्राम में छोटा सा मॉडिफिकेशन करके वो डेटा पब्लिकली उपलब्ध हो सकता है और उसको प्रोग्रामेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर किस आयु वर्ग में अधिक वैक्सीनेशन हो रहा है, मान लीजिए कि अभी हमें कुछ दिनों इनफॉर्मली पता चला कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में, जो करीब 13.8 करोड़ आबादी है, उसमें से सिर्फ 54% आबादी को ही दोनों शॉट्स लगे हैं।
अर्थात बाकी आबादी अभी भी 46% लोग ऐसे हैं जिनको 54% आबादी को कोई भी शॉट लगा है, 46% आबादी जो 60 साल से ऊपर है उनको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ। अगर हमारे पास इस तरह का ग्रैनुलर डेटा उपलब्ध हो तो हम जान जा सकते हैं कि किस राज्य में किस जिले में वो आबादी छूटी हुई है और उन जिलों पर ध्यान देकर इसका वैक्सीनेशन तेज किया जा सकता है। और यह तो एक उदाहरण है, उसी तरह से पुरुष और महिला, उसी तरह से गंभीर बीमारियों से अफेक्टेड व्यक्ति, उसी तरह से देखा जा सकता है कि किस राज्य में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कितना वैक्सीनेशन है और शहरी क्षेत्रों में कितना वैक्सीनेशन है। तो इस तरह के पैरामीटर से उन क्षेत्रों पर ध्यान देकर वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाया जा सकता है। तो सरकार को चाहिए कि इसको या तो खुद एनालाइज करें या एक्सपर्ट्स को बुला के उनसे एनालाइज करना स्टार्ट कर दें। तीसरी बात, इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है जैसे कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। हम जानते हैं कि लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति शंकाएं होती हैं, सरकार डेटा भी कलेक्ट कर रही है, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद अगर सरकार एनालाइज करके पब्लिकली शेयर करे कि इस वैक्सीन से इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के बाद इतने इस तरह का गंभीर बीमारी हुई या नहीं हुई या इतने माइनर सिम्टम्स हुए, तो इससे लोगों का विश्वास आएगा। क्योंकि इस ट्रांसपेरेंट वे में अगर इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो इससे जो हिचकिचाहट है, लोग जानना चाहते हैं कि कितना AFI है, वो सब जाएगा। तो इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं और सरकार को इन सभी कदमों पर ध्यान देने की जरूरत है। और साथ में अंत में मैं कहूंगा कि सरकार जरूरत इस बात की है कि इस महामारी को एक चुनौती की तरह समझते हुए हेल्थ डेटा के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें हर स्वास्थ्य केंद्र, भारत के हर स्वास्थ्य केंद्र पर उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जाए जिससे टाइमली डेटा कलेक्ट किया जाए और उसको अगले लेवल पर भेजा जाए। तो फिलहाल देश में क्या होता है कि कोई भी हेल्थ डेटा होता है महीनों और कुछ हद तक सालों लग जाते हैं तब उपलब्ध हो पाता है। जब तक वो स्वास्थ्य डेटा उपलब्ध होता है तब तक उसका महत्व लगभग खत्म हो चुका होता है और जमीनी स्तर पर परिस्थितियां बदल जाती हैं। कई देशों में ऐसा होता है और भारत भी में भी उस तरह की संभावनाएं हैं कि हम रियल टाइम डेटा कलेक्ट करें और जिससे जो चुनौतियां समय रहते आइडेंटिफाई की जाए। तो इसको करने के लिए सरकार को हेल्थ डेटा के में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग करने की जरूरत है और ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव है, बिल्कुल संभव है और भारत में IT पावर और अन्य चीजों को देखते हुए बिल्कुल किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर आखिरी सवाल ये कि इस स्टडी को करते वक्त कुछ लिमिटेशंस भी होंगे तो वो क्या क्या रहे हैं? सबसे मुख्य बात है कि यह एक शॉर्ट पीरियड में स्टडी की गई थी, 22 मई से 5 जून के बीच जितनी जो जानकारी उपलब्ध थी उसको कलेक्ट किया गया था। अगर उसके बाद कुछ जानकारी कुछ बदलाव किए गए हैं तो वो इस स्टडी में कैप्चर नहीं होते हैं। दूसरी बात है कि हमने डेटा रिपोर्टिंग क्वालिटी को असेस किया था लेकिन हम यह नहीं जानते, इस स्टडी के आधार पर यह नहीं कह सकते कि अगर किसी राज्य में डेटा रिपोर्टिंग क्वालिटी अच्छी थी तो क्या उसमें पेंडेमिक मैनेजमेंट भी उसका बेहतर था, क्योंकि हमने उस बात को स्टडी नहीं किया। लेकिन साथ में हम यह भी कहें इस स्टडी में कंक्लूड करते हैं, हम लोगों ने जो रिसर्चर हैं उन्होंने कहा है कि डेटा ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली रिपोर्टिंग डेटा जरूरी है लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अगर सरकारें उस तरह का सिस्टम बनाए तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में एक सॉल्यूशन हो जाएगा। उस सिस्टम बनने के बाद सरकारों को वह मानसिकता भी दिखानी होगी कि उसको पॉलिसी डिसीजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस इस स्टडी की हैं। तो ये थे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार कुछ नए टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा Apple Podcast, Google Podcast और Spotify पर भी।